लोकसभा चुनाव 2019 समाजवादी पार्टी ने 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। मैनपुरी से लड़ेंगे मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। शुक्रवार को पार्टी ने 6 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को भी प्रत्याशी बनाया गया है। मुलायम सिंह मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। यूपी में बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ लोकसभा चुनाव में उतर रही समाजवादी पार्टी के पास गठबंधन के तहत 37 सीटें हैं, जबकि 38 सीटों पर बीएसपी और 3 सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवार लड़ेंगे। पिछली बार भी मुलायम सिंह ने मैनपुरी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन 2 सीटों से निर्वाचित होने की वजह से उन्होंने आजमगढ़ सीट अपने पास रखी। मैनपुरी सीट पर हुए उपचुनाव में मुलायम सिंह के परिवार के ही तेज प्रताप यादव विजयी हुए थे। समाजवादी पार्टी ने बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव, बहराइच से शब्बीर वाल्मीकि, रॉबर्ट्सगंज से भाईलाल कोल और इटावा सीट से कमलेश कठेरिया को उम्मीदवार बनाया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को यूपी की 80 में से 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इनमें मुलायम के अलावा उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और बहू डिंपल यादव शामिल थी। डिंपल ने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा था।